आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुबह की सलाम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। गुरुवार को कोई एक वनस्पति के बारे में बोलना, वो बहुत समय से उपक्रम चल रहा है। आप लोगों के बीच में आके अच्छा लगता है। वनस्पति हमारे पास है, उपयोग भी करते हैं, लेकिन अलग ढंग से जानते हैं, सही ढंग से जानते हैं, औषधीय गुण के साथ उसका उपयोग करते हैं तो आनंद आता है। ऐसी वनस्पति आज जो है वो है गाजर। गाजर कोई नई चीज़ नहीं आपके लिए, गाजर खाते हैं, सीजन है उसकी, बहुत खाया, खाए भी होंगे। गाजर को संस्कृत में गारजर कहते हैं, अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं, हिंदी में, गुजराती में गाजर बोलते हैं। अब गाजर जब आता है तब बहुत लोग ऐसे कहते हैं, पताई गाजर, पित्त वाला गाजर, और सादा गाजर जिसको हम शकरकंद कहते हैं। तो दोनों मूल है, ये कंद है जो जमीन में होता है, वो जो शक्करिया होता है, जो स्वीट पोटैटो, वो भी गाजर है। लेकिन ये थोड़ी अलग चीज़ है, उसकी गुणवत्ता अलग है, उनकी गुणवत्ता अलग है। इसलिए कभी गाजर के शब्द से बहुत लोग गाजर को जो रतालू गाजर या स्वीट पोटैटो वो भी मानते हैं, इसको गाजर को हम पत्ताई गाजर या गाजर बोलते हैं। क्या गुण है, क्या उपयोग है, क्या विशेषता है, उसकी आज चर्चा करेंगे। ये सीज़न में बहुत याद करते हैं, पूरा विंटर ये आपके पास आता है, विंटर से पहले भी आ जाता है, लेकिन जनरली शीत ऋतु में इसका उपयोग बहुत होता है। साधारणतः हम मानते हैं कि भाई गाजर नो अथाणु था है, गाजर नो संभारो था है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन नॉर्थ में जब जाओ, उत्तर भारत में, तो गाजर की सब्जी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं बनती ऐसे नहीं, लेकिन गाजर की सब्जी हम कम पसंद करते हैं। हम गाजर का अचार, अथाणु, संभारो, काचू, तो ग्रीन सलाड में ऐसा इसका ज़्यादा उपयोग आता है। या तो फिर हम गाजर का हलवा बनाते हैं, या गाजर का लसणिया गाजर ऐसा करके अचार करके रखते हैं। तो या तो गाजर हम अचार में उपयोग करते हैं, या तो गाजर हम सलाड में उपयोग करते हैं, ऐसा जनरली हमारा उपयोग है। कभी कभी हम गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन नॉर्थ में गाजर की सब्ज़ी भी बनती है, जो हमारे यहाँ भी कभी कभी बनने लगती है। जब हम मिक्स वेजिटेबल नामक जो एक एक कुछ फंडा आ गया है, जो बाज़ार में भी मिलता है, होटल में मिलता है, वो देखते देखते हमारे घर में भी गाजर की सब्ज़ी बनने लगी है। ठीक है, वो तो एक बाज़ार में क्या चलता है, हमको तो इसका गुण जानना है, कैसे लेना, कैसे वधु ज़्यादा उपयोग करना, ज़्यादा फ़ायदा लेना, वही हमको चाहिए। तो गाजर के वैसे दो प्रकार है, पहले वो समझ लीजिए। ये जो आपके हाथ में है वो देसी गाजर है, लेकिन आजकल जो मार्केट में आता है वो ज़्यादा गुलाबी जैसा और ज़्यादा रेड जैसा आता है, उसको आप विदेशी गाजर कह सकते हो या हाइब्रिड गाजर कह सकते हो। वो इतना सही नहीं है जितना ये है, उसमें दिखावापन अच्छा है, जितना कलरफुल लगता है, उसका जूस बहुत ऑरेंज जैसा लगता है, ये इसका कलर इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सही गाजर है, देसी गाजर है। वो भी गाजर तो है, लेकिन डेवलप की हुई जाती है, तो उसमें इतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका कैसे उपयोग करना, वो आपके सामने अभी मैं रखता हूँ। साधारणतः गाजर शीत नहीं है, याद रखिए, ठंडा नहीं है, गाजर गर्म है। गाजर की जो तासीर है, गाजर की जो प्रकृति है, वो ठंडा नहीं है। हमको लगता है पीने से गले में अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, और ऐसा लगता है कि वो, लेकिन शीत ऋतु में ही आता है। इसका मतलब ये है, ये गाजर शीत ऋतु में गर्मी देने के लिए आता है, ये एनर्जी देने के लिए आता है। गाजर शीत नहीं है, उष्ण है, गर्म है, उसकी तासीर गर्म है, वो याद रखिए। अब गाजर थोड़ा तीक्ष्ण भी है, मीठा लगता है, लेकिन थोड़ा तीखा भी है। तीखापन देसी में मिलेगा, वो जो विलायती गाजर है, हाइब्रिड गाजर है, उसमें तीखापन नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा तीखा है, मीठा तो है ही, लेकिन जब आप ऐसे ही गाजर खाओगे तब आपको थोड़ा तीखापन मिलेगा। तो वो मधुर है और कटु है, यानी तीखा है, मधुर और तीखा, ये उनका रस है। मधुर और कटु रस जब होता है तो वो किसके ऊपर काम करता है, वो आपके सामने मैं रखूँगा उसके गुण और उपयोग के साथ। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, अचार तो खाते हैं, वो खाना चाहिए, और एक दो रेसिपी में भी बताऊंगा। लेकिन साधारणतया जब हमारा नेत्र का, ये आँख के लिए अच्छा है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसमें हाईएस्ट कैरोटीन है, जो कैरेट नाम है वही नाम से एक पदार्थ निकलता है जो कैरोटीन कहते हैं, वो कैरोटीन आँख के लिए अच्छा है। तो गाजर कुल मिला के आँख के लिए, नेत्र ज्योति के लिए अच्छा है।
आप जैसे भी खाओ तो भी गाजर का फ़ायदा है, लेकिन एकदम बढ़िया अगर फ़ायदा लेना है, आँखों में जलन है, आँख लाल रहती हो और आँखों को ज़्यादा फ़ायदा देना हो, तो लेने की जो विधि है वो आपको बताओ। जब आँख लाल होती है, आँखों को गर्मी की दुश्मनावट होती है, धूप है, बहुत आग लगती हो, वैसे में देखने से आँख को नुकसान हो सकता है, तो गर्मी में आँख को तकलीफ़ होती है, ये गर्म होते हुए भी आँख के लिए फ़ायदा करता है, ये खुद गर्म है लेकिन आँख के लिए फ़ायदा करता है। तो उसका उपयोग कैसे है, जो सौंफ होती है काची वड़ियारी, सौंफ, तो जो सौंफ होती है वो काची वड़ियारी को, जैसे समझने के लिए 100 ग्राम काची वड़ियारी को आप इनका जूस निकालिए, रस निकालिए गाजर का, उसमें भिगो दीजिए थोड़ी, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा रस नहीं, उसके जितना ही जूस चाहिए, तो उसमें वो सॉफ्ट हो जाए करके थोड़ा रख दीजिए, फिर दूसरे दिन फिर से उसमें जूस से रखिए, तीसरे दिन रखिए, तीन दिन रखने के बाद फिर वो सौंफ अगर आप खाते हैं तो आँखों की जलन में, आँख जो लाल होती है उसमें बहुत फ़ायदा होता है, और वो आँखों की रोशनी में, जलन नहीं है अगर, दाह नहीं है तो आँखों की रोशनी बढ़ाने में, सेकना नहीं है जैसे मुखवास खाते हैं ऐसे सेकना नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप तीन बार कर देते हैं, एक बार किया थोड़ा सूख गई, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, इसको भावना कहते हैं, तीन बार भावना देने से वो और पाउडर करके भी कर सकते हो, तो फिर चूर्ण की तरह लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो सौंफ है जो बिक गई है उसको हम चटनी जैसा बना लेंगे और सुखा देंगे, दूसरे दिन फिर से रस डाल के चटनी बना लेंगे, सुखा लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे और वो पाउडर हो गया, तो पाउडर आप थोड़ा ड्राई करके आप कांच की बोतल में भी रख सकते हो, तो ज़्यादा करके रख सकते हो, तो सुखाने के बाद रखना है, तो भी वो पाउडर है वो आँखों की रोशनी के लिए अच्छा है, जनरल टॉनिक भी आँख की है, और अगर आँख में जलन है, दाह है, तो भी वो कम करेगा। तो ये आँख के लिए सबसे अच्छी एक चीज़ जो आपको बताई, वैसे ही आँख के लिए अच्छा है, लेकिन प्रयोग कैसे करना जो घर में कर सकते हो वो आपको बताया। दूसरा है आधा शीशी, हेडेक है, अब हेडेक में इसका कैसा उपयोग है, इसका उपयोग कम है, उसके ऊपर का जो पत्ता है उस पत्ते का उपयोग है, हम लोग पत्ता फेंक देते हैं, लेते नहीं हैं क्योंकि लोग खाते नहीं हैं, अब उसमें तो उससे ज़्यादा गुण है लेकिन मालूम नहीं हमको, तो जो हरा पत्ता है, मैंने लोगों को बोला था लेकिन वो मिलता ही नहीं क्योंकि सब्जी वाले लाते नहीं, लोग को पता नहीं कि ये पता के बारे में पता नहीं होता कि पत्ते जो होते हैं वो क्या होता है, तो बोलते हो तो ढोर खाते हैं, गाय को देते हैं, फेंक देते हैं, कचरा जाता है। एक्चुअली जैसे मूली की पत्ती है, बीट की पत्ती है, सब जितने भी कंद है उनकी पत्ती की भाजी बहुत अच्छी होती है, इससे ज़्यादा गुण उसमें होते हैं, पता नहीं कैसे हमने ये छोड़ दिया, कितने पत्ते की भाजी हम देखते ही नहीं है, सुना ही नहीं है, 100 प्रकार की भाजी के बारे में, अगर आप एक दिन आप कहो कि सर आज हर प्रकार की भाजी के बारे में बोलो, तो मैं 100 प्रकार की भाजी के बारे में बोल सकता हूँ, हमको तो 3-4 भाजी मालूम है, दाना भाजी, पालक, फिर मेथी, कभी कभी वो सुआ भाजी, कभी वो तो आप खाते हो तो अच्छा है बहुत, कभी बताया था तो आप लोगों ने शुरू कर दिया, तो 4-5 भाजी के बारे में जानते हैं, लेकिन बीट की भी भाजी जो बीट कंद है उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो भी खाने लायक है, जैसे मूला है, मूला की भाजी हम खारियों को भी कभी करते हैं, लेकिन वो कम होता जा रहा है, बच्चों को मालूम नहीं क्योंकि माँ नहीं बनाती, क्योंकि माँ को मालूम नहीं, माँ को लगता है ठीक है बस ये कंद इसमें बहुत ताकत होगी या कैसे ही बस लाना है खिलाना है, टाइम बन गया हो गया तो रसोई बनाना है, क्यों बनाते हैं उसमें क्या फ़ायदा है वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो इसका जो पत्ता है उसका रस निकाल के थोड़ा सा गर्म करके 2-2 बूंद नाक में डालना और कान में डालना, तो उसमें हेडेक कम हो जाएगा, आधा सीसी, माइग्रेन जो होता है ना एक साइड में सर दर्द होता है हा? तो कभी कभी वो महिलाओं को ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा पत्ता का रस निकाल के थोड़ा गर्म करके चम्मच में ही 2 बूंद इसमें 2 बूंद उसमें थोड़ा जलेगा, लेकिन थोड़ी देर में हेडेक कम हो जाएगा। तो ये आधा सीसी की इस तरह की ये दवाई है, तो घर में ही आपको, क्योंकि इसके लिए आप जाते हैं सादा डॉक्टर तो अब इलाज करना भूल गया है, वो तुरंत कहता है थोड़ी वो परिचित है चलो एक बार 2 दिन की दवाई देता है तो पैसा तो वो ले लेता है और बताता है कि बहुत हो तो फिर आप न्यूरो फिजिशियन को बताओ। अब जो न्यूरो फिजिशियन के पास जाओगे तो वो MRI क्यों नहीं करेगा, वो सीटी स्कैन क्यों नहीं करेगा, अब उसका तो हक है बनता है, अगर आप गए ही हो छोटी सी बात के लिए तो आपको उस चक्कर में और फिर बोलते ब्रेन में ये है फिर वो है, कुछ बात होती नहीं और ना वो इतना जानता है। मैं न्यूरो फिजिशियन के बारे में या कोई डॉक्टर के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनका फिर हक बनता है आपसे कुछ भी ले लेना पैसा, और वो किस तरह से भी, क्योंकि वो जो उनका साइंस है जो उसको पढ़ाया गया है उस तरह से वो बोलेगा, और वो इंटेलिजेंट है तो स्मार्टली बोलेगा, और आप डरे हुए हैं, आप पेशेंट हैं तो आपको 1-2 बूंद गाजर से जो ठीक हो सकता है
मैं ऐसा नहीं कहता हर माइग्रेन हर हेडेक ये ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन आधा सीसी में आप घर में जब डॉक्टर के पास पहुँचे उसके पहले प्रयोग तो करें, पता ही नहीं है, अब पता होना चाहिए। तो ये घर के जो इलाज है वही मैं इधर बताता हूँ, तो आधा सीसी के लिए फ़ायदा है। अब गाजर का एक हृदय के लिए अच्छी चीज़ है, हार्ट के लिए, कैसे हृदय की धड़कन जब बढ़ती है, धक 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 बहुत बढ़ता है, छोटी बात में घबराहट होती है, चलने से दौड़ने से थोड़ा हमारा छाती में धड़कन बढ़ जाती है, तो उसके लिए एक प्रयोग है वो आपको बताऊँ। गाजर का रस निकाल के, गाजर का रस और मिश्री खड़ी शक्कर वो आपको लेने से हृदय की धड़कन में फ़ायदा है। और उससे एक दूसरा थोड़ा प्रयोग है, थोड़ा उसमें आपको कष्ट लगेगा, लेकिन गाजर को ऐसे ही पहले साफ़ करके, स्किन साफ़ करके उसको बॉईल कर देना, स्टीम दे देना, स्टीम देके शाम को अगासी में या बाहर खुले में रख देना, जो जाकड़ होती है ओस बिंदु होते हैं जो ह्यूमिडिटी है उसमें वो रहेगा, तो जाकड़ बिंदु लगने से फिर सुबह आप ले लीजिए, फिर उसका रस निकाल के वो मिश्री के साथ लेंगे तो धड़कन तुरंत बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी सिंपल चीज़ है, रस से भी फ़ायदा है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बाफ के उसको बॉईल करके स्टीम देके फिर आपने अगासी में रखा, खुले में रखा, जिसमें जाकड़ बिंदु उसके ऊपर आएगी और फिर उसका क्रश करके चटनी बना के, चटनी यानी कि उसके क्या बोलते हैं कद्दूकस करके आप ले सकते हैं, और उसके साथ मिश्री लेंगे तो फ़ायदा है। उसी तरह से खांसी है, उधरस है, तो वही मेथड में आप उसमें सिर्फ मिश्री तो थोड़ी मिलाना है लेकिन थोड़ा काली मिर्च डालना तो खांसी ठीक हो जाएगी। तो सेम चीज़, तो आपकी हृदय की धड़कन या खांसी है तो उसमें इस प्रकार का ये गाजर को बाफ के या थोड़ा स्टीम दे के अगासी में रख के उसका रस निकाल के मिश्री के साथ हनी के साथ ऐसे धड़कन में ले सकते हो, और अगर खांसी है तो काली मिर्च डाल के लेना चाहिए। इतना ही सिंपल प्रयोग है। उसी तरह से पाइल्स में इसका बड़ा उपयोग है, ये मधुर भी है और उष्ण भी है। देखो गर्म चीज़ हरस में नहीं दे सकते, लेकिन मधुर है अगर और थोड़ा उष्ण है तो फ़ायदा कैसे है और किस तरह से लिया जाता है बताओ। तो अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, पाइल्स में से खून निकलता है, अब डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जिकल प्रोसीजर, डर भी लगता है, थोड़ा संकोच होता है, बताने में मज़ा नहीं आता, तो ऐसी बात है, लेकिन हम छोटी चीज़ घर से ही कर सकते हैं। जैसे गाजर का जो रस है उसको आपको दही की मलाई के साथ सुबह लेना, गाजर का रस दही नहीं तर आपने कही ना, दही की तर के साथ मलाई के साथ थोड़ी सी मिश्री डाल के लेना तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। गाजर को थोड़ा एक्सट्रीम दे देना और फिर उसका क्रश करके रस निकालना, उस रस में दही की मलाई और थोड़ी सी मिश्री खड़ी शक्कर का पाउडर डाल के आप लेंगे तो 2-3 दिन में आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। अगर वो बाकी वो वाला पाइल्स है जो सूखा पाइल्स है तो भी आप उसी तरह से एक अनारदाना ऐड करना है, दाड़म नो रस, गाजर का रस, दाड़म का रस और थोड़ी मिश्री आप डाल के लेंगे तो वो पाइल्स जो सूखा पाइल्स है, पेन वाला पाइल्स, उसमें भी आपको राहत आपको मिलेगी। तो ये गाजर है वो पाइल्स के लिए भी अच्छा है। साधारणतया PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम लड़कियों को, खास करके कुंवारी लड़कियों को ज़्यादा होता है, मासिक आने से पहले दर्द होता है और बहुत महिलाओं को भी होता है, तो मासिक के समय दर्द थोड़ा रहता है, वो एक हल्का सा वो एक नेचुरल वो है, लेकिन ज़्यादा होता हो दर्द और ख़ास करके मेंसिस से पहले होता है, तो ये सिंपल कुछ नहीं, डेली गाजर का खाली पेट गाजर का रस एक छोटा सा ग्लास, एक कप इसको बोल सकते हैं, वो आपको रस लेना है तो वो लेने से मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ठीक हो जाएगा, मासिक की दर्द कम हो जाएगा और अच्छे ढंग से फ्लो उसका जो आता है वो आ जाएगा। वो सिंपल एक चीज़ है, गर्भाशय का शोधन करने का उसका स्वभाव है। तो मासिक का कष्ट आर्तव इसको बोलते हैं, मासिक आने में दिक्कत होना, दर्द होना, तो उसको कष्ट आर्तव कहते हैं, आर्तव यानी मासिक, कष्ट यानी दर्द के साथ होना, तो वो आपको सुबह सिर्फ गाजर का रस 100 ml पहले ले लेना है उठ के ही, तो वो 2-3 महीना लेंगे तो अच्छा सा साइकिल उसमें, नहीं तो क्या होता है वो दर्द वाला मेंसिस में जनरली लड़कियां अपने पर्स में वो डॉक्टर एक बार देता है या मेडिकल स्टोर में देता है मेप्टल फोर्ट या ऐसी एंटी स्पाजमोटिक दवाई देती है, देता है तो वो ले लेते हैं और लगता है ठीक हो गया, लेकिन उसके मसल्स धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं गर्भाशय के और उसमें फिर सूजन आ जाती है और सूजन आते आते धीरे धीरे, क्योंकि उसका स्पाजम आपने कम कर दिया, उसके जो प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं किया,
तो वो दर्द तो कम हो गया, तो पता नहीं चला ब्रेन को, और दो तीन दिन निकल गए। और हर बार ऐसे एक बार दो बार टेबलेट ले लिया, तो ऐसे करते करते धीरे धीरे गर्भाशय में शोथ बन जाता है, सूजन आता है, और वो आगे जाकर फाइब्रॉइड में डेवलप हो सकता है। तो सिंपल चीज़ नहीं जानते हैं तो ऐसे दर्द में जाते हैं, या डॉक्टर भी दवाई देते हैं, डॉक्टर तो उसके हिसाब से सही दवाई देता है, लेकिन वो दवाई लेने की चीज़ ही नहीं है। सिंपल गाजर का रस से ठीक हो सकता है, तो एक ये। इसकी दूसरी जो व्यवस्था है, जो जैसे कि प्रसूति नहीं आ रही है, डिलीवरी डिफ़िकल्ट है, पेन हो रहा है ज़्यादा और देरी हो रही है, तो गाजर का जो बीज है, गाजर का पत्ता रहेगा, उसमें फिर फूल आएगा और उसमें बीज आएगा, जिसमें से फिर से नया गाजर होता है। तो गाजर का बीज एक थोड़ा सा लेके उसके 10 ग्राम बीज लेना, और उसके साथ गाजर का ही पत्ता है उसका 100 ml काढ़ा बनाना पत्ते का, दोनों मिला के वो पिलाने से प्रसूति ईजीली हो जाती है। तो ये प्रयोग तो थोड़ा जो अनुभवी दाई है वो करे तो ठीक है, कोई उसमें नुकसान नहीं होने वाला है, दर्द नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात सिंपल चीज़ हमको नहीं मालूम थी, पहले हम हमारे घरों में कितना अच्छे ढंग से सिंपल वे में डिलीवरी करवाते थे, और आज छोटी छोटी बात में 35,000, 50,000, 1,00,000 रुपया, सीजरियन, फॉर्सेप, बच्चों में परमानेंट डैमेज, क्योंकि खींचना होता है बच्चों को जब फॉर्सेप से, फॉर्सेप यानी बड़ा चिमटा होता है, उसमें सर पकड़ के बच्चा का खींचा जाता है, तो परमानेंट ब्रेन में आई ईयर में बहुत डैमेज होता है। हमारे पास 5 साल 10 साल के बाद वो बच्चा जब आता है, उसको जो डैमेज है, तब मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ कि डिलीवरी कैसी थी, तो उसमें वैसे मैं तो सीजर ही नहीं था, सीजर नहीं था, मैं तो फॉर्सेप थी, हाँ फॉर्सेप में खींच के बड़ा बड़ा चिमटे से ऐसे खींचते हैं, सांस सी थी जाने काटवा में, ऐसा होता है। तो वो बहुत बड़ी छोटी सी बात है, डॉक्टर ने तो डिलीवरी करवा दी, बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन क्या उस फोर्सेप नॉर्मल था या लगाने वाली एक्सपर्ट थी, वो बहुत, आप अगर प्रक्रिया भी यूट्यूब में देखिए फोर्सेप डिलीवरी क्या होती है, तो पता चलेगा ऐसा करते हैं, महिला तो सोई है, उसको तो मालूम नहीं, घर वाले लोग तो कोई आते नहीं, और डॉक्टर और या तो अनुभवी डॉक्टर है तो ठीक है, वो करने की प्रोसेस कोई गलत नहीं है, लेकिन वो करने में स्पीड होती है, महिला रोती है, और जो अनुभवी दाई नहीं है या डॉक्टर भी नौसिखिया है या उसको जल्दी है, तो गलती हो सकती है, तो परमानेंट ब्रेन को डैमेज हो सकता है। बात छोटी है, अब गाजर का बीज और गाजर के पत्ते का रस उस डिलीवरी, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन खोल देती है और बच्चा बाहर आ जाता है, तो ये सिंपल चीज़ गर्भाशय में काम करती है। आपको मालूम हो कि कैसे हमारे पुरखे अच्छे ढंग से रहते थे, इतना भी आपको हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम लोग घर में कैसे करवा सकते थे ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ जो भारत में चली गई है, अगर उसके बारे में मालूम हो ना, तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है कि हमारे पुरखे क्यों स्वस्थ रहते थे, कैसे घर में ही सब कुछ कर सकते थे, वो आपको आपकी दादी से, नानी से, माँ से आपका बहुत प्यार बढ़ जाएगा, कि वो ऐसी चीज़ हमको देती थी जिससे हम स्वस्थ रहते थे, ऐसी परंपरा वो निभाती थी। उसी तरह से मासिक का अगर अटकाव है, नहीं निकलता, तो और गर्भपात में भी गाजर का बीज का बड़ा प्रयोग है, तो वो आगल के ज़माने में ये कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेते थे, ये गाजर के बीज लेने से बच्चा नहीं होता है, तो बात सिंपल है, कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल वे में है, तो वो भी प्रयोग चलता था, इसके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल वे में केमिकल के बिना ये बच्चा न होना, ये प्रयोग हमारे देशों में सिर्फ गाजर के चीज़ से होता था। उसी तरह से ये गाजर की खीर, जो हम लोग कम बनाते हैं, लेकिन गाजर की खीर भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो हृदय की धड़कन में, वीकनेस में उसका बड़ा उपयोग है, तो नॉर्थ में गाजर की खीर बनाते हैं, हम लोग गाजर की खीर कम बनाते हैं, गाजर का हलवा तो बनाते हैं, लेकिन वो हलवा है हृदय को अच्छा देने वाला है, वो टॉनिक है, बहुत अच्छा टॉनिक है, लेकिन अगर उस हलवा में हम जैसे चीनी डालते हैं उसके बजाय चाशनी करके करते हैं, थोड़ा पाक जैसा बनाते हैं, सुखड़ी जैसे, महिला समझ सकती है, थोड़ी चाशनी, सीधी खांड नहीं डालना, चाशनी करके फिर गाजर का हलवा बनाते हैं, और थोड़ा उसका पीस बनाते हैं, चक्का पाड़िए, तो वो पीस, और उसमें तेज क्या बोलते हैं तज, दालचीनी, इलायची, और थोड़ी केसर, और हो सके तो कस्तूरी, ये डाल के वो पाक है, कामोत्तेजक है, सेक्स पावर जो कम हुआ है तो सेक्स पावर बढ़ा सकता है। सिंपल गाजर में इतनी ताकत है कि बात मत पूछो। तो वो गाजर है, वो हम इसका अचार बना के तो खाते हैं, खाना भी चाहिए, अचार है, सलाद है, कभी सब्जी, लेकिन थोड़ा सा प्रयोग करके अगर आप देखिए तो हेडेक कम कर सकता है, सिर्फ उसके रस के बूंद नाक में डालने से, कान में डालने से, वो ये खुद एंटीसेप्टिक है, और गांवों को ज़्यादा भरता है, अगर कुछ लगा है
और फोड़ा हुआ है, फुंसी हुआ है, पकता नहीं है, तो गाजर की लुगदी लुगदी गाजर को बॉईल करके, गाजर को बॉईल करके फिर उसका पेस्ट बना के लगा देने से, जिसको हम कहते हैं ना पॉटिश, तो गाजर की पॉटिश लगा देने से वो फोड़ा अच्छा हो जाएगा, पक जाएगा, निकल जाएगा। या तो ऐसा ही लगा है कुछ, तो वो उसका ऐसा लगा देने से जल्दी घाव रूझ जाता है। तो घाव का ठीक होना वो इसमें ये कैपेसिटी है, छोटी बात है, अंदर लेने से खून अच्छा रहता है तो घाव होते ही नहीं, घाव अपने आप भर जाते हैं। कहते हैं यानी चिकनी पाकनी माटी से आ मानस अथवा पाकड़ों लोई से, ये जल्दी पक जाएगा, जल्दी फोड़ा होगा, जल्दी फुंसी होगी, घाव रुचता नहीं। तो जो घाव ठीक नहीं होता उसमें ये इसका बनने से खून से बहुत लोई खून अच्छा रहता है ये खाने से। तो पूरा चार महीना आप गाजर खाइए, कभी रस लीजिए, कद्दूकस करके उसका हलवा बनाइए या तो फिर अचार बनाइए, आप कच्चा भी ले सकते हो। ज़्यादातर सुझाव ऐसा है कि थोड़ा स्टीम देके बॉईल करके लेते हैं तो गाजर पित्त नहीं करेगा, उसमें जो तीक्ष्णता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। गर्मी चाहिए लेकिन उसकी जो कभी कभी ये पित्त बढ़ा सकता है, अगर ज़्यादा खा लिया तो पित्त बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने बताया ये उष्ण है। लेकिन गाजर तो देसी ही लेना है, आपके यहाँ बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा आएगा वो लाल वाला गाजर, गुलाबी वाला गाजर, बहुत देखने में अच्छा लगता है, लंबा लंबा होता है हमको और सस्ता होता है, क्योंकि वो हाइब्रिड है, वो हाइब्रिड में वो गुण नहीं है जो देसी गाजर में है। तो आप जब मांगेंगे तो वो लाएगा, आप बोलेंगे कि इसका पत्ता भी चाहिए तो वो लाएगा, उसके पत्ते में आँख के लिए सबसे ज़्यादा गुण, इससे भी ज़्यादा गुण कैरोटीन आँख में है, उसके पत्ते में है। तो आपको मालूम नहीं, आप उसकी भाजी बना सकते हैं, उसका थेपला बना सकते हैं, तो आप उसका थोड़ा साफ करके उसका पाव रस उसका और पौना ग्लास इसका मिक्स करके पिएंगे, वो इतना टेस्टी नहीं है, वो थोड़ा बिटर है, लेकिन आपको तो गुण चाहिए तो वो पत्ता भी ऐसे भी आप खा सकते हो, जैसे हम ऊपर गार्निश करने के भी खा सकते हैं, जैसे दाना भाजी कोई टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमको मालूम है कि उससे फ़ायदा है, वो भी आँख के लिए अच्छी है, तो उसी तरह से गाजर के पत्ते भी अच्छे हैं। तो आप मांगेंगे सब्जी वालों को, बोलेंगे कि भाई पत्ता साथ लाओ जो है ना पांदला साथ है, तो वो लाएगा, अदरवाइज़ वो क्यों लाएगा, उसको लगता है कि आपको लेते नहीं। तो आपको तो दोनों फ़ायदा मिलना चाहिए, जैसे मूली के पत्ते लेते हैं उसी तरह से आप बीट रूट जो है चुकंदर तो उसके भी पत्ते लेना चाहिए। सब हम फेंक देते हैं धीरे धीरे, आदत नहीं है, वो सबसे बढ़िया चीज़ दोनों होती है, तो आप लोग प्रयोग करिए। ये हर गुरुवार को मिलते हैं तो कोई ना कोई एक वनस्पति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम लोग स्वस्थ रहे, छोटी छोटी बातों में दवाई न ले। जामनगर और जामनगर के बाहर के लोगों को ये वीडियो जाता है, आप लोग उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी ये वीडियो आएगा। आप अपने रिश्तेदारों को हर गुरुवार को कुछ गिफ्ट देना है, गुरु की सेवा करनी है, तो इस तरह से करिए। ये गुरु है, आपको बचाएगा, आपके खुद के स्वास्थ्य को बचाएगा, और ये वीडियो आप किसी को शेयर करेंगे तो आपके दूसरे को भी हेल्थ के बारे में कुछ पता चलेगा। हिंदी में हम इसलिए बोलते हैं कि पूरे देश के लोग जब ये वीडियो अपलोड होता है तो बोलते हैं कि आप गुजराती में बोलते हो, गुजरात को ही फ़ायदा है, हमको क्यों फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये आप भेजेंगे, और हिंदी तो हम सब जानते हैं, तो आप किसी को भी भेज सकते हो। एक छोटा उपक्रम हम लोग हमारे स्टूडेंट्स मिलकर कर रहे हैं, पंचगव्य पाठशाला, गाय के दूध, गाय का दही, गाय की छास, गाय का मक्खन, गाय का गौमूत्र, गाय के गोबर, उनका क्या औषधीय उपयोग है और वो कितना महान चीज़ है जिसको हमने गाय को माता माना। तो वो आपको कहीं ना कहीं पता है गाय माता है, लेकिन गाय का दूध नहीं मिलता, गौमूत्र का क्या उपयोग है, पूजा में पंडित लाता है, एक्चुअली उसका साइंस नहीं मालूम, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो वो साइंस फिर से हमारे स्टूडेंट ने सोचा है कि वो एक अच्छी सी एक एकेडमिक एजुकेशन और साथ में अवेयरनेस की सीरियल हम बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसका नाम है पंचगव्य पाठशाला। तो हम लोग उसका अभी शूटिंग कर रहे हैं, आपके सामने वो थोड़ा दिनों में आने वाला है। वो 29 तारीख को 29th जब ये महीने क्लास, तब राजभवन में राज्यपाल ने मुझे बुलाया है। राज्यपाल अच्छे गाय के प्रेमी है, उसको मालूम है कि हितेश भाई गाय के बारे में रिसर्च करते हैं, तो उसने बोला मैं तो कभी आऊँगा आपके बीच में, और हम बुलाएंगे तो माननीय राज्यपाल महोदय आने वाले हैं, लेकिन अभी तो हमारा वो सुवर्ण प्राशन और हमारी पंचगव्य की दवाई लेते हैं। और मुझे बोला कि राजभवन में ही गाय के बारे में, पंचगव्य के बारे में एक सेमिनार रखिए। तो राजभवन ने उनके न्योते से हम लोग जा रहे हैं सेमिनार में, और वहाँ अच्छे अच्छे बाकी डॉक्टर्स भी आएंगे पूरे देश के, तो वहाँ उस पंचगव्य पाठशाला का वो रिलीज़ करेंगे, तो वो आपके पास वो आ जाएगा थोड़े दिनों में, उसका ट्रेलर भी आपको भेजेंगे। तो वो आप दुनिया के सबको हर वीक में एक बार कोई ना कोई दूध के बारे में, घी के बारे में, छाछ के बारे में, मक्खन के बारे में, और दूध के भी कितने प्रश्न है आपको, वो सब उसके बारे में आएगा। उसके पहला ट्रेलर
27th को हम रिलीज करने वाले हैं। वो एक बड़ा कार्यक्रम है मेरा, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, जिसकी पत्रिका आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। तो वो फ्री प्रोग्राम है, सेमिनार है, उसमें मैं खुद डायरेक्ट लाइव बताऊंगा। फिर बाद में तो वो यूट्यूब में आता रहेगा अलग से, लेकिन लाइव प्रोग्राम जो तन की बात नामक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम में पंचीयों की पाठशाला 27 तारीख को शाम को, पत्रिका भी आपको मिलेगी, आपको मैसेज भी मिलेगा, लेकिन आप ज़रूर आइए। और रात को होगा तो सब काम काज पूरा हो गया हो, खाना खाने के बाद आप आइए, और वो एकेडमिक जो और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम होगा, आप बिल्कुल साइंटिफिक बात एक घंटे में इतना आपको देना दिया जाएगा, तो आप ज़रूर पधारिए। 27th को ये लाइव प्रोग्राम, और उसके साथ 29 तारीख को इसका रिलीज़ होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा एक मिशन है कि हम भारत स्वस्थ रहे, भारत अपनी चीज़ से अपनी ताकत से स्वस्थ रहे, और भारत के पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो हमको भी मिले फिर से और संसार को भी मिले। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है, 27 तारीख भी याद रखना, और आपको 29 तारीख को तो रिलीज़ होना है वो याद रखना है, क्योंकि एक बड़े बड़े लोग इसमें अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक हमने प्रूव कर दिया है। अब वो बात नहीं है कि एलोपैथी वाले लोग हमको दबाएंगे, पश्चिम से आएंगे, आप आ जाओ डोनाल्ड ट्रंप, फ्री में आ जाओ, देख जाओ हमारा प्यार देख जाओ, लेकिन हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास देने लायक हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आपको देंगे, आपको प्यार देंगे, ज्ञान देंगे, जो भी देना है। तो पहले तो थे कुछ आएंगे और लेंगे और कुछ कटोरा लेके बैठते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत है आपको देने की। तो उस तरह से ये ज्ञान देने वाले हम लोग हैं, हर गुरुवार को मिलते हैं, आप आते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप खड़े रह के, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको खड़ा रखना पड़ता है, लेकिन गुरुवार को, अगले गुरुवार को 27 तारीख को आपको बिठा के गाय के बारे में प्यार से बात करेंगे, वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।